घर का खर्चा कहाँ से चलाए हम, हमारी दुकानें वापस दी जाए दी जाए। नमस्कार आदाब, इस समय आप देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल में विजयनगर के पास जो श्री श्री हरि एक मार्केट था, जो हाकर्स कॉर्नर था, उस हाकर्स कॉर्नर को तोड़ दिया गया है। उस जगह को ये बताकर तोड़ा गया है कि वहाँ पर SDM कार्यालय की ये ज़मीन है, यहाँ पर वो कार्यालय बनेगा। ऐसा कहकर वहाँ पर जितनी 40 से 50 दुकानें लगती थी, वे सभी दुकानदार फुटपाथ पर आ गए हैं। और मैं यहाँ पर देखता हूँ या पूछता हूँ कि क्या क्या कंडीशन हुई है और क्यों इस मार्केट को तोड़ा गया है। सबसे पहले नज़र डालता हूँ, सर ये मार्केट कब बना था और क्या सूचना दी गई आपको या कैसे तोड़ा गया, बताइए थोड़ा। ये मार्केट 2006 में बाबूलाल गौर जी द्वारा हमें बना के दिया गया था। वहाँ पर हमने 6 साल व्यवसाय किया। 2011 के अंदर उस जगह को रोड के अंदर आ रही है ये कहकर फिर हटाने का एक प्रयास किया गया, जिसका हमने संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद में हम नगरीय प्रशासन मंत्री रहते गौर साहब के पास में हर कभी पूरे परिवार सहित सब लोग जाते थे। उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और पास में ही एक नगर निगम की ज़मीन थी जिसको निकाल कर हमें हाकर्स कॉर्नर के लिए अलाटमेंट करके दिया। उसमें 5 लाख की लागत से हम 42 से 45 परिवार जितने भी थे उन सबको उन्होंने जगह दी। वहाँ पर आज स्थिति ये है, आज हम 12 साल से वहाँ पर व्यवसाय कर रहे थे। आज 12 साल के बाद में बगैर सूचना के हमें ये बताया गया कि यहाँ तहसील बन रही है, वहाँ से हमें हटा दिया गया। और हटाया भी सर ऐसे गया, हमारा सामान कहाँ था, एक नगर निगम के पार्षदों की शपथ ग्रहण चल रहा था जो कि हमारा कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं था। स्थिति ये बनी कि हमारा पूरा सामान खराब हो गया। आज हम रोड पे आ गए हैं, आज हम SDM साहब के पास आए हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि साहब हम सब गरीब परिवार के हैं, ऐसे में हमारा व्यवसाय छिन गया है। ऐसी भरी बरसात के अंदर हमारा सामान पूरा रोड पे पड़ा है, हम कैसे व्यवसाय करें। आपने देखा राजू राव जी ने कितनी अपनी दर्द भरी कहानी बताई कि 40 से 50 परिवार अब फुटपाथ पर आ गया है। 12 साल इतने लंबे समय से ये मार्केट वहाँ पर था। बाबूलाल गौर जी ने इसका विधिवत पूर्वक इनको अलाटमेंट दिया था और लाखों रुपए वहाँ पर खर्च भी हुए थे, लेकिन ठीक जिस दिन नगर सरकार का गठन हो रहा था उसी दौरान यहाँ पर अतिक्रमण अमले ने आके इन लोगों को वहाँ से हटा दिया है, जो कि एक काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण नज़र आता है। और काफ़ी लोगों के चेहरे काफ़ी मायूस है, काफ़ी दर्द है इनके ऊपर। और ये पूछता हूँ सर, कैसा गुजारा चल रहा है, कैसा देख रहे हैं इसे? सर अभी क्या गुजारा चलेगा, अभी तो स्कूल भी खुले थे, स्कूल की फ़ीस भरनी है, बहुत सारे हैं और परेशानी तो अभी आ ही रही है। और उसी दिन हमने मटेरियल बना के रखा हुआ था, सुबह से तैयारी कर रहे थे, हमको तो जानकारी भी नहीं थी। काय की दुकान है आपकी वहाँ पर? वहाँ पर मोमोज की दुकान है हमारी। मोमोज की दुकान है आपकी, काय की दुकान है? सर मैं मैकेनिक हूँ, मैं अपना घर परिवार कैसे चलाऊंगा, मुश्किलों में आ गए हैं। मुश्किलों में आ गए, फुटपाथ पे आ गए। आपकी दुकान भी वहीं अंदर ही थी? जी जी बिल्कुल जी जी जी। आप सर? मेरा लाइट का काम है, मैं वहीं पर लाइट का काम करता था जी। बड़ी मुश्किल है सर, क्या कोई सूचना नोटिस वगैरह आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला सर, कोई नहीं मिला। आपके सर? चाय नाश्ते का ठेला है हमारा जी। क्या नाम से था? नेहा टी स्टॉल के नाम से था हमारा चाय नाश्ते का ठेला। उसे भी हटा दिया गया? हटा दिया गया, हम बहुत परेशान हैं। और हमारे कैमरामैन से मैं यह कहूँगा कि सर किस चीज़ की दुकान थी आपकी, क्या प्रॉब्लम? मेरा सर छोटा सा कारोबार साइकिल रिपेयरिंग पंचर का काम था, जो अब मैं फुटपाथ पे आ गया हूँ, अब मैं अपना लालन पालन किस तरह करूंगा। कितने टाइम से आप वहाँ पर दुकान लगा रहे थे? जब से हाकर्स कॉर्नर बना के दिया, जब से ही मेरा व्यवसाय वहीं पर था। और पूरे हाकर्स कॉर्नर हमारे साथी जो हैं सब वहाँ पर इस चीज़ के जानते हैं कि मैं वहाँ पर व्यवसाय कर रहा हूँ, और हमारे सब साथी जो हैं वहाँ पर कर रहे हैं। और आज रोजी रोटी जो हमारी छीन ली गई है, और हम किस तरह हम काम करेंगे, हम फुटपाथ पर आ गए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जब्बार अंसारी है, मेरी अंडे और चाउमीन की दुकान थी। अब 2 दिन हो गए, 2 दिन से क्या नाम से ना बिल्कुल बेरोजगार बैठे हुए हैं। स्कूल वालों के फ़ोन आ रहे हैं, बच्चों को घर पे बिठा दिया गया, उनकी फ़ीस कहाँ से जमा करें। उनसे स्कूल वालों से बोला था कि अभी काम चलेगा तो क्या नाम से ना फीस जमा कर देंगे, 2 साल से फीस जमा करेंगे, बच्चे जा नहीं पा रहे थे। अब बेरोजगार होगा या बच्चों की फ़ीस कहाँ से जमा करें, बच्चे तो घर पर बैठे हुए हैं। स्कूल वाले के ना पहले फीस लेके आओ, बच्चे जब अंदर आएंगे। आपकी किस चीज़ की दुकान थी? मेरी नारियल पानी की दुकान थी। मेरा नाम धनवीर यादव है। नगर निगम की गाड़ियाँ आई, उनने बोला 10 मिनट में खाली कर लो नहीं तो सब सामान जब्त किया जाएगा। इससे पहले ना कोई नोटिस सूचना दी गई है, बस वो लोग आए। उनने मैंने अधिकारी से बोला कि साहब सामने, तो वो मेरे को चिल्ला के बोले चुप और 10 मिनट में पूरा खाली चाहिए नहीं तो सब जब्त हो जाएगा। फिर हम लोगों ने डर के वजह से जल्दी दो तीन दिन से भी दुकान बंद हम लोगों की। सर किस चीज़ की दुकान थी? मेरा नाम ओम प्रकाश राव है। मेरी छोटी सी पान की दुकान थी साहब, वो भी हटा दी गई है और हम लोग बेरोजगार हो गए, 2 दिन से फुटपाथ पर पड़े हुए हैं।
मेरा नाम राजकुमार सूर्यवंशी है, मैं अंजलि चाइनीज के नाम से दुकान है मेरी, और आज मैं रोड पे आ गया हूँ। मेरे दो काउंटर टूट गए, उन्होंने लोग 10 मिनट का टाइम दिया, 10 मिनट में सामान भी नहीं हटा पाया और मेरा सामान का बहुत नुकसान हो गया, पूरा सामान डैशमेस हो गया और मेरा क्या करूँ, बिल्कुल रोड पे खड़ा हूँ समझ लो। सर हमारी फ्रूट की दुकान है, फ्रूट हमारा कच्चा माल होता है, हम जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से हमारा सामान उठाया हमने, क्योंकि ये आ गए उठाना है तो अभी उठाना है, सामान यहाँ से बिल्कुल खाली करो आप, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इस जगह पे। और हम लोग आज से नहीं, हम कितने सालों से पहले लाल घाटी पे हम लोगों की दुकानें थी, वहाँ से हटाया हमें तोप के पास, फिर मिलिट्री वालों ने हमें इस साइड में जगह दी तापड़िया के सामने, वहाँ से फिर हटा के हमें यहाँ पे कमिश्नर ने यहाँ पे आकाश कन्नर अलर्ट किया, फिर उस आकाश कन्नर को तोड़ के फिर हमें प्रधानमंत्री बाबूलाल गौर ने वहाँ विजयनगर के बगल में हमें आकाश कन्नर दिया गया। और न्यूज़ में ये आया कि हम लोगों ने अतिक्रमण कर रखा, और जो हमने सरकार इनकी अतिक्रमण से 16 करोड़ 20 लाख रुपए की जगह अतिक्रमणों से छुड़वाई है, ये झूठ है, इन लोगों ने जो लिख के दिया है यहाँ से, बहुत गलत बात है। मेरा नाम द्वारका राव है। कहीं की दुकान थी सर? मेरी सब्जी की दुकान है, ये सब्जी की दुकान एकदम से आया, उन्होंने पूरी की पूरी सब्जी हमारी जो थी वो सब ख़राब हो गई, पूरे टपरे वपरे जो था सब उन्होंने बोले कि तुरंत सब हटाओ, सब 10 मिनट के अंदर हमें खाली करना है। इतनी बुरी तरीके से हमारे साथ उन्होंने वो बर्ताव करा था, चिल्ला चोट भी करी थी उन्होंने कि 10 मिनट में पूरा खाली करो नहीं तो हम अपनी वो कार्यवाही चालू करें। क्या नाम है आपका? गोपाल राव। सर संजय कुमार, मैं चाय की दुकान है, मेरी वहाँ पर चाय नाश्ते ही वहाँ बहुत दिक्कत है, उन लोगों ने आए और आके सारी दुकानें तोड़ दी हमारी, चाय पूरा बर्तन फेंक दिए नगर निगम कर्मचारियों ने, कोई सुनवाई नहीं की हमारी। मेरी मटके की दुकान थी साहब, हटा दिया मेरे को भी, बच्चे परेशान हो रहे हैं। एक बात निकल कर बाहर आई है कि कैसे अतिक्रमण अमले ने बेरुखी दिखाते हुए इनके सामानों को फेंका और जल्दबाजी में सिर्फ 10 मिनट का समय दे करके इनके सामानों को हटाया गया वहाँ से। और इन व्यापारियों का ये कहना है कि हमने कोई भी नियम शासन का नहीं तोड़ा, रोड से काफ़ी अंदर ये मार्केट बना हुआ था और जिससे किसी को तकलीफ भी नहीं थी, लेकिन जैसे कि सूत्रों के मुताबिक ये खबर लगी है कि यहाँ पर बैरागढ़ SDM का एक कार्यालय बनने जा रहा है, जिसका हवाला देते हुए इन लोगों को वहाँ से हटा दिया गया है, ना इनकी कोई पुनर्स्थापना इनकी की गई है, ना कोई व्यवस्था इनकी की गई है। इसके चलते हुए इस 45 परिवार को इस समय सड़कों पर उतरना पड़ा है, इनकी काफ़ी मुश्किलात इनके सामने आ गई है। मैं शासन से अनुरोध करता हूँ कि कहीं ना कहीं इनकी व्यवस्था कराने की भी पहल की जाए। मैं आसिफ खान, गणित न्यूज़ से, राजधानी भोपाल।